Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Today's topic is applications of logic in homeopathy. Friends, ये applications of logic in homeopathy topic exam point of view से बहुत ज्यादा important है. इससे often long answer या फिर short notes आते हैं. तो आप इस video को end तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. But before we move on with today's lecture, do not forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon. सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर जो आपको अभी आई लिंक पे मेंशन किया जा रहा होगा, उस लेक्चर में हमने डेफिनेशन देख ली थी कि लॉजिक क्या होता है और उसके दो टाइप्स क्या होते हैं. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उस वीडियो को रेफर करिए, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. सबसे पहला एप्लीकेशन जो हमारे पास है होम्योपैथी का या फिर लॉजिक का होम्योपैथी में, वो है establishment of law of similia and its practical application in the treatment of different disease. तो जो law of similia है हमारा homeopathy का, या फिर जिसको हम homeopathic law of nature या therapeutic law of nature कहते हैं, ये जो है ये based है किस चीज पे based है, ये बहुत सारे natural observations पे based है. और natural observation पे based है तो उसको Dr. Hahnemann ने कैसे प्रूव किया था, तो ये लॉ जब डॉक्टर हैनेमन ने बताया था तो उन्होंने कई नेचुरल ऑब्जर्वेशंस को स्टडी किया, उसको इंटरप्रेट किया एंड फाइनली वो कंक्लूजन पे पहुंचे और उन्होंने बताया एक लॉ जो है लॉ ऑफ सिमिलिया, जिसे हम जानते हैं सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर से. ठीक है, और ये एक मेथड जो रीजनिंग का इसने फॉलो किया या फिर जो लॉजिक का टाइप ये फॉलो करता है लॉ, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव लॉजिक. अब आप सोच रहे होंगे कि इंडक्टिव लॉजिक कैसे, तो इंडक्टिव लॉजिक क्या था? इंडक्टिव लॉजिक था कि जब हम किसी भी नॉर्मल सी चीज को, मतलब जब किसी हम जनरल या फिर जनरल ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी हमारे पास अगर जनरल ऑब्जर्वेशन हो और उसको अगर हम एक साथ इंटरप्रेट करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? इंडक्टिव लॉजिक. और डॉक्टर हैनेमन ने क्या किया, उन्होंने कई ऑब्जर्वेशंस किए एंड फाइनली ही कंक्लूडेड द लॉ सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर. तो इसीलिए कहा गया है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ ऑफ सिमिलिया ये एक एप्लीकेशन है लॉजिक का होम्योपैथी में, और इसमें कौन सी लॉजिक यूज हुई है? इंडक्टिव लॉजिक. दूसरा बात करें, यहाँ पे आगे लिखा है एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस. तो डिजीज के ट्रीटमेंट में जब ये लॉ यूज किया गया तो क्या हुआ, एक लॉ है हमारे पास और उसको हम बहुत सारे केसेस पे अप्लाई कर रहे हैं. तो ये इस बार इंडक्टिव लॉजिक नहीं है, इस बार ये है डिडक्टिव लॉजिक. इसमें हमारे पास एक यूनिवर्सल लॉ है जिसके ऊपर बेस होकर हम बहुत सारी बातों को प्रूफ कर रहे हैं. तो ये अप्लाई किया लॉ उन्होंने बहुत सारी डिजीजेस के ट्रीटमेंट में एंड विच वॉज बेस्ड ऑन द डिडक्टिव लॉजिक. तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में या फिर इस एप्लीकेशन में हमारे पास दो लॉजिक का यूज हुआ है. पहला इंडक्टिव लॉजिक जो कि लॉ ऑफ सिमिलिया को स्टैब्लिश करने में, या फिर लॉ ऑफ होम्योपैथी जो है सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर उसको स्टैब्लिश करने में, और दूसरा हमारे पास है डिडक्टिव लॉजिक जो कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में यूज किया गया है. नेक्स्ट इज टू डिस्कवर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम. अब फ्रेंड्स, हम लोगों को पता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है वो किसी भी मेडिसिन का ऐसा सिम्टम होता है जो स्पेसिफिक हो या फिर की नोट सिम्टम हो. यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें पल्सेटिला के एग्जाम्पल से, तो जो पल्सेटिला की पेशेंट होती है उसे वॉर्म रूम में एग्रेवेशन होता है. ठीक है, तो ये वॉर्म रूम का एग्रेवेशन जो है ये क्या है, ये एक की नोट सिम्टम है या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है. ठीक है, लेकिन क्या आगे है इसके, एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है और वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो है उसे हम अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं अलग अलग पेशेंट को जज करने के लिए,
लॉजिकली या फिर उन्हें ग्रुप करने के लिए, उनकी इंडिविजुअलिटी निकालने के लिए, या फिर उनके रेमेडी सिलेक्शन है। तो हमें क्या पता चला कि एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम यहाँ अलग अलग पेशेंट के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये फिर से कौन सा लॉजिक है? ये डिडक्टिव लॉजिक है कि हमारे पास एक लॉ है या एक फैक्ट है जिसके ऊपर बेस्ड होकर हम सबको जज कर रहे हैं या फिर हम सबकी रेमेडी का सिलेक्शन कर रहे हैं, सबके सिम्टम्स को ग्रुप कर रहे हैं या फिर सबका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो लॉजिक यूज होता है टू डिस्कवर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम में, उसे हम कहेंगे डिडक्टिव लॉजिक। नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट वी हैव हियर इज टू आइडेंटिफाई नेम एंड क्लासिफाई डिजीज एज वेल एज मेडिसिन थ्रू पैथोलॉजिकल यूनिटी ऑफ सिम्टम्स। तो यहाँ पे जो डिजीज का क्लासिफिकेशन होता है, हमारे पास सपोज कोई पेशेंट आता है तो हम उसके सारे सिम्टम्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो जो हमें बताता है उन सारे सिम्टम्स की हम टोटैलिटी लेते हैं, उन सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और वो कंक्लूजन क्या होता है? वो हमारे पास एक डिजीज होती है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज हुआ? यहाँ पे जो लॉजिक यूज हुआ वो हुआ इंडक्टिव लॉजिक। तो डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके नेम को जानने के लिए, डिजीज को क्लासिफाई करने के लिए या फिर मेडिसिन को भी हमें किस चीज की जरूरत होती है? इंडक्टिव लॉजिक की। और वो हम किस तरह करते हैं? थ्रू द पैथोलॉजिकल यूनिटी ऑफ सिम्टम्स। सारे जो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं वो इवेंचुअली हमें एक यूनिटी या फिर एक कंक्लूजन तक पहुंचाते हैं जिसे हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट वी हैव हियर इज टू कंस्ट्रक्ट द टोटैलिटी ऑफ अ केस या फिर टू कंस्ट्रक्ट द टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स ऑफ अ केस। तो यहाँ पे हमें सिम्टम्स की टोटैलिटी का पता करना है। अब टोटैलिटी क्या होती है? टोटैलिटी एक कंक्रीट फॉर्म है जो कि सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स जब एक दूसरे से लॉजिकली रिलेटेड होते हैं, सो दे फॉर्म अ टोटैलिटी। और वो टोटैलिटी एक पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने के काम आती है, एक फिजिशियन के काम आती है जिसके पास ड्रग और डिजीजेस का अच्छा नॉलेज होता है, उसके ड्रग सिलेक्शन में या फिर डिजीज को के सिलेक्शन में या फिर जज करने के लिए कि डिजीज कौन सी है उस पेशेंट में। सो टोटैलिटी हमारे पास एक बार और इंडक्टिव लॉजिक का एग्जांपल है, क्योंकि टोटैलिटी जो है एक सिम्टम्स की, वो सारे सिम्टम्स को एनालाइज करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद फाइनली हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जो कि उसका सिमिलर ड्रग होता है। तो जो टोटैलिटी ऑफ सिम्टम है या कंस्ट्रक्शन ऑफ टोटैलिटी ऑफ सिम्टम है, ये किस पे बेस्ड है? इंडक्टिव लॉजिक पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट वी हैव इज टू इंडिविजुअलाइज अ केस। इंडिविजुअलाइजेशन जो होता है वो होम्योपैथी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी केस को इंडिविजुअलाइज करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। वो स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले पेशेंट का एग्जामिनेशन। हमें कोशिश करनी होगी कि वो पेशेंट जो है हमें सारे सिम्टम्स बताए, उनके लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज और कंकॉमिटेंट्स के साथ। फिर क्या करते हैं हम? नेक्स्ट उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और केस की स्टडी करते हैं। एंड फाइनली हम उस सिम्टम से रिलेटेड रेमेडी ढूंढते हैं हमारी मटीरिया मेडिका में। तो हमने इतने सारे काम किए इंडिविजुअलाइजेशन के लिए। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंडिविजुअलाइजेशन है केस का, ये भी एक इंडक्टिव लॉजिक का एग्जांपल है, या दिस आल्सो टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। हम बहुत सारे जनरल सिम्टम्स को कंसीडर करते हैं एंड इवेंचुअली हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जो कि हमें एक सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी की तरफ गाइड करता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन, वी हैव टू एनालाइज, कंपेयर, क्लासिफाई एंड जनरलाइज अ केस फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ सिमिलर मेडिसिन थ्रू द आर्ट ऑफ जनरलाइजिंग। अब आर्ट ऑफ जनरलाइजिंग क्या है? जो सिम्टम्स हमारे पास है उनको की एनालिसिस करना, उनको कंपेयर करना, क्लासिफाई करना और जनरलाइज करना
कुछ लॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू। अब हम ये सारे प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है जो इंडिविजुअल या फिर जो पेशेंट हमारे पास आया है उसका इंडिविजुअलाइजेशन करना और एक सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी का सिलेक्शन करना। अपार्ट फ्रॉम दिस द जनरलाइजेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू जनरल सिम्टम्स। तो जनरलाइजेशन कुछ जनरल सिम्टम्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। किस तरह? उनकी ग्रेडिंग में हेल्प करते हैं, हमारी ग्रुपिंग में हेल्प करते हैं सिम्टम्स की, ठीक है, हमें सिम्टम्स याद रखने में हेल्प करते हैं, और एंटू ड्रामेटाइजिंग द मटीरिया मेडिका, इसमें भी हमारी हेल्प करते हैं कि किस तरह हम सिम्टम्स को एनालाइज, कंपेयर, क्लासीफाई और जनरलाइज करके एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअलाइज करेंगे एंड इवेंचुअली एक सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी का सिलेक्शन करेंगे। तो अगर हम इसके पीछे भी लॉजिक देखने की कोशिश करें तो ये भी एक लॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एनालाइजेशन है, कंपैरिजन है, क्लासिफिकेशन है एंड फाइनली हमें कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जो कि क्या है, एक सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी का सिलेक्शन या फिर केस का इंडिविजुअलाइजेशन जो कि इवेंचुअली लीड करेगा सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी के सिलेक्शन में। नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट वी हैव इज टू जनरलाइज फॉर द रिपर्टरी वर्क। अब रिपर्टरी वर्क के लिए जनरलाइजेशन में लॉजिक कैसे यूज होगा? सपोज आपके पास एक पेशेंट आता है तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स बताता है, ठीक है, आप उन सिम्टम्स को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उस पेशेंट को और फाइनली आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये जो पेशेंट है इसका माइंड जो है ये मैलिशियस है, ठीक है, तो मैलिशियस उसके माइंड में आप रिपर्टरी में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, मैलिशियसनेस। लेकिन जो पेशेंट है वो रेयरली आपको बताएगा खुद से, ही और शी विल वेरी रेयरली टेल यू दैट ही और शी इज मैलिशियसली डिस्पोज्ड, ठीक है। तो अगर आपको ये बात पता करनी है, उसकी माइंड को पढ़ना है, तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स को एनालाइज करना पड़ेगा, खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा और इसमें भी लॉजिक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट वी हैव इज टू असाइन कॉजेज ऑफ डिजीज कंसिडरिंग द लॉ ऑफ कॉजेशन। तो किसी भी डिजीज के पीछे जो कॉज प्रेजेंट होता है हम उसे कैसे पता लगाएं? तो फ्रेंड्स, जो फिजिशियन होता है, मोस्ट ऑफ द फिजिशियन के अनसक्सेसफुल होने के पीछे एक कारण होता है और वो ये होता है कि उनको लगता है जो उनके पास पेशेंट आया है उसके जो डिजीज से वो सफर कर रहा है उसका सिर्फ एक कॉज है। लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। सपोज एक पेशेंट है जो कि कॉलेरा से सफर कर रहा है, तो हम सबको पता है कि कॉलेरा इज कॉज्ड बाय अ बैसिली विच इज विब्रियो कॉलेरी, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया कॉलेरा कॉज कर रहा है। लेकिन ये बैक्टीरिया कॉलेरा तब तक कॉज नहीं करेगा जब तक और सारी कॉजेस प्रेजेंट ना हो। वो एक्साइटिंग कॉज हो सकते हैं या फिर कोई भी ऐसे कॉज हो सकते हैं जो उस बैक्टीरिया को, बॉडी को या फिर हमारी वाइटल फोर्स को इफेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। वो कॉजेस कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे सैनिटरी कॉजेस हो सकते हैं, कोई ऐसा है जो सैनिटरी हाइजीन अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है, एटमोस्फेरिक कॉजेस हो सकते हैं, टेल्यूरिक कंडीशंस हो सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक या फिर सोशल कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है या फिर मेंटल और इमोशनल स्टेट भी बहुत एसेंशियल फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इस बैक्टीरिया के ससेप्टेबल होने के लिए इंडिविजुअल को, कि एक इंडिविजुअल है उसके एनवायरमेंट में हो सकता है विब्रियो कॉलेरी प्रेजेंट हो, लेकिन इफेक्ट सिर्फ वही इंडिविजुअल होगा जिसमें और सारे कॉजेज भी प्रेजेंट होंगे। तो जो फैक्टर्स होते हैं, इन सारे फैक्टर्स या फिर इन सारे कॉम्बिनेशन ऑफ कॉजेज के बिना जो विब्रियो कॉलेरी है वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता या फिर कॉलेरा कॉज नहीं कर सकता। तो इन सारे कॉजेस को एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए एंड फाइनली इन्फेरेंस तक पहुंचने के लिए हमें लॉजिक का जानना बहुत जरूरी है। द मोस्ट कॉमन मेडिकल एरर इज टू अज्यूम दैट अ डिजीज हैड अ सिंगल कॉज एंड टू डायरेक्ट ऑल एफर्ट्स एंड एजेंसी अगेंस्ट दैट। तो होम्योपैथी जो है वो ये कभी नहीं मानती है कि जो डिजीज है वो सिर्फ एक कॉज के पीछे होती है, ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा मेडिकल एरर है कि हम एक डिजीज के पीछे
एज्यूम कर लेते हैं कि एक कॉज प्रेजेंट है और उसी को खत्म करने के पीछे हम भागते रहते हैं, हम और सारे कॉजेस का रिमूवल नहीं करते। बट होम्योपैथी डज नॉट डायरेक्ट इट्स एफर्ट प्राइमरली और सोलली टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमेट फिजिकल कॉज ऑफ द डिजीज। वो पहले जो होम्योपैथी है वो हमारी फिजिकल कॉजेस, जो भी फिजिकल कॉजेस है या फिर प्रॉक्सिमेट फिजिकल कॉजेस है, उनका रिमूवल करती है, ताकि जो हमारी वाइटल फोर्स है जो मॉर्बिफिक एजेंट्स की वजह से डिस्टर्ब हो रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स जो हो वो खत्म हो जाए और इंडिविजुअल क्योर हो जाए। लेकिन इन सब तक पहुंचने के लिए हमें लॉजिक का जानना बहुत जरूरी है, एंड स्पेशली जो लॉजिक हम यहाँ यूज करते हैं दैट इज इंडक्टिव लॉजिक। हम सारे केसेस को इंटरप्रेट करेंगे एंड फाइनली वी विल रीच टू अ कंक्लूजन कि ये पेशेंट इस डिजीज से सफर कर रहा है, ठीक है। और फाइनली हमें जब वो डिजीज पता चल गए तो हम फिर एक सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी का सिलेक्शन कर सकते हैं और फाइनली एक अच्छे फिजिशियन की तरह अपने पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। For daily dose of previous year AIPGT questions, do not forget to follow Inside Organon on Instagram. Link is in the description below. So friends, this is all about today's lecture. In today's lecture, we discussed application of logic in homeopathy. I hope I have made everyone understand. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम इनसाइड ऑर्गेनॉन।